हरिद्वार पहुंचे सीएम हरीश रावत। ये बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी, बड़ी खबर ये कि मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार पहुंचे हैं, अर्धकुंभ मेला कार्यों का कर रहे हैं निरीक्षण। अर्धकुंभ मेले की समीक्षा बैठक भी सीएम हरीश रावत लेंगे। अर्धकुंभ से पहले सभी कार्य पूरे करने पर फोकस रहेगा। आला अधिकारी भी हैं मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ मौजूद। तो मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे हैं हरिद्वार, अर्धकुंभ मेले के कार्यों का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री हरीश रावत। इसके अलावा मेले की समीक्षा बैठक भी लेंगे सीएम हरीश रावत। आपको बता दें अर्धकुंभ की विधिवत शुरुआत हो चुकी है नोटिफिकेशन के साथ, लेकिन अभी भी जो कार्य हैं वो अधूरे हैं, जबकि 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति को पहला स्नान होना है। और इस बीच मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे हैं हरिद्वार, आला अधिकारी भी उनके साथ मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि समीक्षा बैठक लेंगे मुख्यमंत्री हरीश रावत। इसके अलावा मेला से जुड़े जो कार्य हैं उसका भी निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री। सीधे रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता आशीष की तरफ, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, क्या कुछ जानकारी इस बारे में मिल पा रही है फिलहाल? अजी देखिए, बिल्कुल कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री हरीश रावत यहाँ पर गुरुकुल हेलीपैड पहुंचे हैं और उन्होंने यहाँ पर ललतारो पुल पहुंचकर जो पीडब्ल्यूडी द्वारा जो यहाँ पर एक ओवरब्रिज बनाया जा रहा था उसका निरीक्षण किया है। लगभग बनकर वो तैयार है, जल्दी उसका जो है बकायदा इनॉग्रेशन भी होना है। और अभी तुरंत जो है मुख्यमंत्री यहाँ पर हर की पौड़ी पहुंचे हुए हैं। हर की पौड़ी पर जो तमाम मेला कार्य चल रहे हैं उनका बकायदा निरीक्षण कर रहे हैं, जो तमाम अस्थायी पुल बनाए गए हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं। इसके अलावा हर की पौड़ी से सीधे राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाला एक पुल बनाया गया है, स्थायी पुल है वो, मुख्यमंत्री हरीश रावत वहाँ पर है उसका निरीक्षण कर रहे हैं। आशीष, पहला स्नान 14 जनवरी को है मकर संक्रांति के मौके पर, अर्धकुंभ की शुरुआत हो चुकी है लेकिन अभी भी आधे अधूरे काम है। मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद क्या उम्मीद जताई जा रही है, काम जल्द पूरे होंगे? अजी देखिए, बिल्कुल खुद मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यहाँ पर 31 दिसंबर की लास्ट तारीख तय की थी कि सभी कार्य पूरे हो जाएं। हालांकि कार्य अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। अधिकारी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि करीब जो पहला स्नान है 14 जनवरी उसके पहले सभी कार्य पूरे हो जाएंगे, पूरी फिनिशिंग हो जाएगी पूरे मेला क्षेत्र की। और सबसे बड़ी बात ये कि खुद मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे हैं तो ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री हरीश रावत के पहुंचने के बाद कहने के जो कार्य शिथिल पड़े हुए थे उनमें तेजी आएगी और जो कार्य है वो समय से पूरे हो सकेंगे। गायत्री, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आशीष ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री हरीश रावत, बताया जा रहा है कि मेला कार्यों का निरीक्षण करेंगे, साथ ही समीक्षा बैठक भी लेंगे। और इसके अलावा मुख्यमंत्री हरीश रावत मेला कार्यों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। तो आपको बता दें 14 जनवरी को पहला स्नान होना है और इससे पहले ही प्रशासन की आधी अधूरी तैयारियों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से मेला कार्यों के निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं अब जल्द ही अधूरे पड़े कामों को गति मिलेगी। तो फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आला अधिकारी भी मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ मौजूद हैं। जी, अर्धकुंभ 2016 पठानकोट में हुए आतंकी हमले के बाद हरिद्वार में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पहली बार हरिद्वार के प्रमुख चौराहों, हर की पौड़ी, रेलवे और बस स्टेशन पर बंकर्स बनाए गए हैं जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। इसके अलावा ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी से भी आने जाने वाले श्रद्धालुओं पर नजर रखी जा रही है। हर की पैड़ी की ओर आने वाले श्रद्धालुओं की चेकिंग के लिए कई जगह मेटल डिटेक्टर्स भी लगाए गए हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो प्रशासन है, जो सुरक्षा कर्मी है वो पूरी तरह से चौकस नजर आ रहे हैं, पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहे हैं। डॉग स्क्वाड की मदद दी जा रही है क्योंकि जिस तरीके से पंजाब के पठानकोट में आतंकी हमला हुआ है उसके बाद से उत्तराखंड को भी अलर्ट पर कर दिया गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से निर्देश बाकायदा इसको लेकर मिले थे और वैसे भी अर्धकुंभ मेला शुरू हो चुका है और ऐसे में उत्तराखंड संवेदनशील राज्य भी है, सीमांत राज्य है, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पठानकोट में हुए आतंकी हमले के बाद हरिद्वार में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हम खड़े इस समय यहाँ पर चंडीघाट चौराहे पर, शहर का प्रमुख चौराहा है यहाँ पर, और देख सकते हैं कि बकायदा पहली बार इस तरह का प्रयोग किया गया है कि जो मेन चौराहे हैं या महत्वपूर्ण जो स्थल हैं वहाँ पर बकायदा बंकर बनाए गए हैं और बंकर के अंदर से जो बकायदा उनके अंदर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है और सभी आने जाने वालों पर यहाँ पर कड़ी नजर रखी जा रही है, चाहे वो होटल हो, आश्रम हो या तमाम धर्मशालाएं हो, वहाँ पर आने जाने वाले श्रद्धालुओं को बकायदा यहाँ पर चेक किया जा रहा है, जो रजिस्टर है उनका चेक किया जा रहा है। इसके अलावा जो तमाम सुरक्षा के इंतजाम है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं, चाहे बम निरोधक दस्ता हो या फिर डॉग स्क्वाड हो, उसके माध्यम से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कैमरा मैन नीरज के साथ में आशीष मिश्रा, समाचार प्लस, हरिद्वार।
तो हरिद्वार में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी अपनी पैनी निगाह बनाए हुए हैं। हर की पौड़ी पर क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त देखने को मिल रही है, जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष मिश्रा ने। पठानकोट में हुए आतंकी हमले के बाद हरिद्वार में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हम खड़े समय हर की पैड़ी के पास एक पुल पर आप देख सकते हैं कि बकायदा जो भी श्रद्धालु यहां पर आने वाले हैं उनके लिए बकायदा यहां पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। इन मेटल डिटेक्टर के माध्यम से श्रद्धालु हर की पैड़ी की ओर आ रहे हैं। और इसके अलावा पूरे मेला क्षेत्र में बम रस्ते और जो डॉग स्क्वाड है उनकी भी तैनाती की गई है। ड्रोन से भी पूरे मेला क्षेत्र पर जो कड़ी नजर रखी जा ही रही है। इसके अलावा बड़ी संख्या में यहाँ पर CCTV लगाए गए हैं और इन CCTV और तमाम जो ड्रोन है इनकी बकायदा इन पर नजर रखने के लिए एक अलग से जो है टीम की यहाँ पर तैनाती की गई है। इसके अलावा अगर बात करें होटलों की या धर्मशालाओं की या आश्रमों की, तो उनमें जो भी श्रद्धालु आते हैं या जाते हैं जो उनका जो रजिस्टर जो तैयार किया जाता है उन पर भी यहाँ पर नजर रखी जा रही है। कैमरा मैन नीरज के साथ में आशीष मिश्रा, समाचार प्लस, हरिद्वार। अर्धकुम के दौरान सुरक्षा कर्मी और दूसरी व्यवस्थाओं की देखरेख में जुटे लोगों के लिए ठहरने की व्यवस्था कर दी गई है। हर की पैड़ी से करीब आधा किलोमीटर दूर टेंट कॉलोनियां बनाई गई हैं जहां सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिसकर्मी ठहरेंगे। करीब 1000 पुलिसकर्मियों के रहने की अस्थायी व्यवस्था की गई है। असल में अर्धकुंभ में आतंकी हमले की आशंका के मद्देनजर अलर्ट जारी है और सरकार ने अर्धकुंभ के दौरान अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती मेले के दौरान की है। ऐसे में अर्धसैनिक बलों और पुलिस के जवानों के रुकने की समुचित व्यवस्था करना सरकार के लिए चुनौती है। अर्धकुंभ के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में लगे जो पुलिसकर्मी हैं उनके लिए स्टे के लिए कॉलोनीज बनाई गई हैं, टेंट कॉलोनीज। इन्हें देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था है। जो टेंट्स यहाँ पर लगाए गए हैं सुरक्षा कर्मियों के लिए, वो भीतर का नजारा उसका कुछ ऐसा है। बेड दिए गए हैं और बिस्तर जो है, गर्म कपड़े यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि इस समय ठंड का समय है और ठंड बेहद हो रही है। लेकिन इस टेंट्स के भीतर हमें अच्छी खासी गर्माहट महसूस हो रही है। इन्हें इस तरह से बनाया गया है और छत पे विशेष ध्यान दिया गया है ताकि अगर बारिश हो तो बारिश की जो बूंदे हैं वो पानी जो है वो अंदर ना आ पाए, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। और जो टेंट्स हैं वो ठीक हालत में नजर आ रहे हैं इस समय। गर्माहट इनके भीतर है और रात्रि विश्राम अगर यहाँ पुलिसकर्मी करते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत इस पे ज़्यादा होगी नहीं। साथ ही जो लाइट की व्यवस्था है वो भी यहाँ पर की गई है और तमाम वो लाइट्स के आप देख सकते हैं कि जो बल्ब हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं और प्रॉपर लाइट की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। कैमरामैन रुपेश के साथ हेमवर्त, समाचार प्लस, हरित। कलयुग में सबसे बड़ा तीर्थ गंगा स्नान, गंगा दर्शन और गंगा पूजन को ही बताया गया है। ऐसे में गौमुख से लेकर गंगा सागर तक बहने वाली माँ गंगा की पूजा का विशेष महत्व है और माँ गंगा की आराधना गंगा आरती के बिना अधूरी है। इसीलिए अर्धकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वैसे भी द्वापर में, कुरुक्षेत्र और कलयुग में गंगा को प्रधान तीर्थ बताया गया है। ऐसे में माँ गंगा की आराधना से बढ़कर दूसरी कोई पूजा नहीं। माँ गंगा का सबसे पवित्र और प्रधान तीर्थ वर्तमान में हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी में ब्रह्मकुंड माना गया है। यहाँ पर गंगा पूजा का विशेष महत्व है और यही कारण है कि हर की पौड़ी पर हर दिन सूर्योदय के साथ सायंकाल में माँ गंगा की भव्य और अलौकिक आरती का आयोजन किया जाता है। कि जो मन से गंगा आरती के समय वहां आरती करता है या दर्शन भी करता है तो वह माँ गंगा के सर्वांग जो पूजा होती है उसके फल को प्राप्त करता है। गौमुख से लेकर गंगा सागर तक माँ गंगा अपने सफर में एक जगह अपना ऐसा अलौकिक रूप दिखाती हैं जिसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो जाता है। वो जगह है ठीक मेरे पीछे हर की पैड़ी में। यहाँ पर आकर गंगा की लहरें खुद की परिक्रमा करने लगती हैं। जिस तरह दशाश्वमेध घाट बनारस में गंगा उल्टी चलती दिखाई देती है, हर की पैड़ी में गंगा परिक्रमा करती हुई दिखाई देती है। और यही कारण है कि यहाँ पर होने वाली गंगा आरती का विशेष महत्व है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु साल के 365 दिन इस जगह पर आकर गंगा आरती के साक्षी बनते हैं, उनको मनचाहा वरदान मिलता है। यहाँ पर पूजा होती है विश्व शांति की, यहाँ पर आराधना होती है विश्व कल्याण की, आपदाओं को दूर रखने की। कैमरामैन रुपेश के साथ हेमवर्त, समाचार प्लस, हरिद्वार।